नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी कोशा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए ये स्पोर्ट्स कैप लेके आए हैं। अगर आपको ये कैप अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखते हैं ये कैप कैसे बनेगी। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। टू चेन्स बनाएंगे और 12 डबल क्रोशे करेंगे। और जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारे ये फर्स्ट राउंड बन गया। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। इसके सबसे पहले टू चेन्स बनाएंगे और हर स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी हर स्टिच में टू टू डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन के तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके सबसे पहले टू चेन्स बनाएंगे। इस राउंड में वन स्टिच वन डबल क्रोशे और वन स्टिच इंक्रीज डबल क्रोशे करेंगे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हम लास्ट में फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन के तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके साथ पहले टू चेन्स बनाएंगे और इस राउंड में टू स्टिच वन वन डबल क्रोशे और वन स्टिच इंक्रीज डबल क्रोशे करेंगे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे, यानी कि टू डबल क्रोशे। वन डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, इंक्रीज डबल क्रोशे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। इस तरीके से लास्ट में हमने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लिया है। अब इसी पैटर्न के अनुसार हम सिक्स राउंड तक बनाएंगे। इस तरीके से हमारे ये सिक्स राउंड बनके तैयार हो गए हैं, और इसमें टोटल मिला के 72 स्टिच हैं। और अगर इसे मेजर किया जाए तो ये 8 इंच है। अब जो हमारे 72 स्टिच हैं, इन्हें हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 से 2 तक 24 स्टिच, 2 से 3 तक 24 स्टिच,
और 3 से 1 तक 24 स्टिच। अब हम इसके आगे बनाएंगे। 7th राउंड में सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे और 24 स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमने 24 स्टिच में 1 डबल क्रोशे कर ली हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट 24 स्टिच में 1 स्टिच इंक्रीज डबल क्रोशे और 2 स्टिच 1 डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। और ये पैटर्न हम यहाँ तक रिपीट करेंगे 24 स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे। मार्कर को हम ऊपर लगा लेंगे नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे। इंक्रीज डबल क्रोशे। नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे। और यही पैटर्न हम 24 स्टिच में रिपीट करेंगे। इस तरीके से अब नेक्स्ट 24 स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 7th राउंड बनके तैयार हो गया है। लास्ट में हमने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और इस राउंड में हम हर स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 8th राउंड बनके तैयार हो गया है। लास्ट में हमने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर ली है। और जो हमने ये मार्कर है हमारे, जैसे हमने 6 से 7th रो में ट्रांसफर किए थे, वैसे ही हमने 7 से 8th राउंड में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे और 24 स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे 1 स्टिच इंक्रीज डबल क्रोशे और 3 स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे।
तरीके से अब इसके आगे नेक्स्ट 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से लास्ट में हमने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसके आगे हम 10th राउंड बनाएंगे। इसके साथ पहले 2 चेन्स बनाएंगे और 10th राउंड में हम पूरे राउंड में हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब हम 11th राउंड बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे और 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट मार्कर तक 1 स्टिच इंक्रीज डबल क्रोशे और 4 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट में फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके आगे हम 12th राउंड बनाएंगे तो हमेशा की तरह सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हमारे नेक्स्ट मार्कर तक 48 स्टिच हैं, जिन्हें हम 24 टाइम डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से इस तरीके से अब नेक्स्ट 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट में फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट मार्कर तक 1 डिक्रीज डबल क्रोशे और 1 स्टिच 1 डबल क्रोशे करेंगे। वन डिक्रीज डबल क्रोशे और 1 स्टिच 1 डबल क्रोशे और यही पैटर्न हम नेक्स्ट मार्कर तक रिपीट करेंगे।
अब इसके आगे नेक्स्ट 24 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट में फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके आगे हम 14 राउंड बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। 14 राउंड में हम हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। अब इस राउंड में हम 1 चेन बनाएंगे और हर स्टिच में पूरे राउंड में 1-1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। धागा सिक्योर करने की वजह से यहां पर हमें जो हमारी फर्स्ट स्टिच थी वो पता नहीं चली थी, तो यहां पर हमने एक मार्कर लगा दिया है। अब हम इसे हाफ हाफ कर लेंगे इस तरीके से, और इस साइड भी हम सेंटर की स्टिच पता करेंगे और इस साइड 7 स्टिच और इस साइड 7 स्टिच पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से। सेंटर की स्टिच के इस साइड भी 7 स्टिच है और इस साइड भी 7 स्टिच है। अब इसके आगे हम बनाएंगे, तो यहां पर हम यार्न को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से 1 चेन बनाएंगे और जो हमारी ये रो बनेगी वो हमारी 1 रो नीचे से बनेगी, तो ये इस जगह से 1 रो नीचे से बनेगी, तो हम इस जगह पर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। वन स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे यानी कि इंक्रीज सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट टू स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारी पूरी रो 1 रो नीचे से बनेगी। नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट टू स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशे। इंक्रीज सिंगल क्रोशे। और यही पैटर्न हम यहां तक रिपीट करेंगे। इस तरीके से यहां पर हमारी इंक्रीज सिंगल क्रोशे है। अब इसके आगे हमने 1 सिंगल क्रोशे की है। अब जहां पर यह मार्कर लगा है वहां पर हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। वन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे नेक्स्ट 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। 3 स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे 1 स्टिच इंक्रीज सिंगल क्रोशे और 2 स्टिच 1-1 सिंगल क्रोशे करेंगे, और ये पैटर्न हम लास्ट तक रिपीट करेंगे।
इंक्रीज सिंगल क्रोसेट, वन वन सिंगल क्रोसेट, इस तरीके से। अब इसके आगे नेक्स्ट वन स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट टू स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और हर स्टिच में वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट टू स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। थ्री स्टिच में वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। और इसके आगे हम पूरे राउंड में वन स्टिच इंक्रीज सिंगल क्रोशे और टू स्टिच वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वन स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट टू स्टिच में स्लिप स्टिच। वन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम यहां से पूरे राउंड में यहां तक सिंगल क्रोशे करेंगे। वन वन सिंगल क्रोशे हर स्टिच में और लास्ट में हम जो हमारी ये वाली स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और ऐसे धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक कैप बन के तैयार हो गई है और ये देखने में कुछ इस तरीके की लग रही है। आपको ये कैप कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में।